प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम मेरे भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोड़ा जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, निर्दोष जीवन का फल। जिस तरह भजन संहिता अध्याय 51 की 10 आयत में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि शमूएल ने अपनी मृत्यु से पहले अपने लोगों को इकट्ठा किया था और उनसे पूछा था कि क्या मैंने तुमसे कभी रिश्वत ली है, कभी किसी का न्याय बिगाड़ा है या कभी किसी का गधा रखा है? अगर कोई है तो मुझे बताओ, क्योंकि बाइबल कहती है कि शमूएल अपनी जवानी भर परमेश्वर के सामने निर्दोष चलता रहा और जब तक शमूएल धरती पर जिंदा रहा तब तक फिलिस्ती, जो कि बहुत शक्तिशाली लोग थे, वह एक भी बार इसराइल को हरा ना सके। जब दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया था तो राजा ने उससे पूछा कि दानियल, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियल ने जवाब दिया कि परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर उनके मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरे कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूँ। फिर जब दानियल को उस मांद से निकाल कर उसकी चुगली करने वालों को उस मांद में डाला गया तो लिखा है कि अभी वह फेंके ही जा रहे थे कि शेरों ने उनकी हड्डियाँ चबा दी थी। इसलिए आज मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप एक निर्दोष जीवन व्यतीत कर रहे हैं? अगर नहीं तो आपको एक सच्चा मसीही होने के नाते परमेश्वर से वायदा करना है कि अगर आप एक पेंटर हैं तो 4 दिन का काम 4 दिन में ख़त्म करके 4 दिन के पैसे लेकर आप वापस आएंगे। अगर आप एक ड्राइवर हैं तो 400 का तेल डलवा कर अपने मालिक को 500 की पर्ची नहीं देंगे और अपने बॉस के दफ्तर में 10 बजे जाकर 9 बजे की हाजिरी नहीं लगवाएंगे। अगर आप निर्दोष हैं तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। क्या आप जानते हैं कि दोषी जीवन का एक बड़ा असर आपके जीवन में पड़ता है? चाहे आप कितने भी वरदान पाए क्यों न हों, आप कहीं नहीं पहुंच सकते जब तक निर्दोषता का मसहा आपके जीवन में नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का हाथ आपके सिर पर बना रहे और परमेश्वर आपको आशीषित करे तो एक निर्दोष जीवन जीना सीखें और परमेश्वर के वचनों पर चलें। हर तरह के गुनाहों को छोड़कर संपूर्ण सच्चाई से परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें ताकि परमेश्वर आपके निर्दोष जीवन को देखकर आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमेन। मैं सबको जय मसीह की। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं एक निर्दोष जीवन व्यतीत करूँगा ताकि जो आशीषें आपने मेरे लिए रखी हैं मैं उन्हें ले सकूँ और लोगों के लिए एक मिसाल बन सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। God bless you। परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा आशीषित करें।